कि प्लास्टिक बैन होने का ये कारण है कि प्लास्टिक बैन होने के चक्कर में जेड़ी थैली जाड़ी आ रही है उसके चक्कर में फेंकना ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा थैली महंगी बढ़ती है पब्लिक को भी हमें भी, और इससे ये प्रभाव भी होता है कि ज़्यादा थैली से वापस इसे रीयूज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। रीयूज़ करने के चक्कर में क्या होता है पब्लिक फेंक ज़्यादा फेंक देती है, और अभी ऐसी ऐसी दुकानें भी आ गई जो आप ले भी सकते हो कि नहीं भी ले सकते हो, कि मतलब जाके कलेक्ट करके हर एक महीने में कलेक्ट करने के बाद उसको आप दुकानों में दे सकते हो, आपको अच्छा प्राइस भी देंगे कि वो आप रीयूज़ होके हमारे पास ही आएगा। तो फेंके ना और इसे यूज़ करें जितना हो सके उतना यूज़ कर सकते हैं। और बुरे प्रभाव ये है कि इससे रोड पे ना फेंके, रोड पे फेंकोगे तो गाय जो भी है पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन के चक्कर में फिर गाय जो भी जानवर है एनिमल्स है वो खाएंगे तो उनको तकलीफ होगा। सच्चा आप है कि उसको रीयूज़ करवाइए और जितना हो सके उतना रीयूज़ करिए। कॉटन बैग से वो आ रहे तो उनका प्राइस बढ़ते आ रहा है, उनका पैसे बढ़ते आ रहे हैं, उनके चक्कर में फिर पब्लिक लेती नहीं है। पब्लिक क्या फिर पब्लिक को प्रभाव पब्लिक के ऊपर ये इम्पैक्ट होता है कि वो ये लेने के बाद इनमें क्या फ़र्क पड़ता है कि उनको प्राइस बढ़ाना पड़ता है, फिर हमारे जैसे कस्टमर हमारे जो रिटेलर हैं उनको फिर तकलीफ हो जाता है कि अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं तो उनको तकलीफ ये होता है कि आगे कस्टमर को समझा जाए, वो तो ये बोलते कि हमें थैली चाहिए, थैली नहीं देंगे तो हमारे पास नहीं आएंगे कि आगे चले जाएंगे, भाई तुमने तो आगे वाले देगा, आगे वाले तो उसके आगे वाला देगा, कोई तो देगा बिना थैली का, थैली के साथ। मैन उनको बैन करो जो जहाँ से वो प्लास्टिक का जो पदार्थ बनाते हैं उन लोगों को पहले बैन करने को बोलो, तो इधर कोई यूज करने वाला नहीं प्लास्टिक। और जो भी कस्टमर लोग हैं ना उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि वो अपने घर से थोड़ा बड़ा बैग लेके आओ, उसमें से आप माल लेके जाओ, उसमें से आपको भी फायदा और हम लोगों को भी फायदा, और आने वाले हैं ना उस उनको भी फायदा होगा, जो आने वाली पीढ़ी को भी फायदा। और प्लास्टिक मैन प्लास्टिक से हमारे भारत में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि गाय खाते हैं पोल्यूशन और ये प्रदूषण हो रहा है जिससे गाय मरती है और जिससे वो हमारा गटर खराब होता है, उससे हमारा पानी भी खराब हो रहा है और उससे क्या कि बारिश भी नहीं होती है, और जो भी बारिश का पानी आता है तो वो उसके अंदर पानी नहीं जाता भूमि के अंदर, क्योंकि उसकी वजह से उसका रुकावट आ जाता प्लास्टिक की वजह से। इसलिए मैं यही बोलने वाला चाहता हूँ कि हमारे भारत के अंदर प्लास्टिक बैन होना चाहिए और अपने घर में से अच्छा सा कपड़ा की एक थैली सिलवा के आप जहाँ भी जाओ बोले तो मार्केटिंग के अंदर अपने खुद के इतना हो सके कपड़े की थैली यूज करो नॉर्मल मार्केट वगैरह के लिए, बाकी तो प्लास्टिक सरकार दे रही है कुछ चीज़ें खरीद और प्लास्टिक में बांध के देंगी, इतना हो सके भाजी वगैरह के लिए आप थैली ना मांगे, घर से गुजारिश है कि कपड़े की थैली ले लिए, कपड़े की थैली बहुत मिलती है 5 रुपए की 1-10 रुपए की जो भी बड़ा चॉइस जो भी है जाके ले लीजिए अपने थैली मार्केट वगैरह में यूज करिए। एक कपड़े की थैली लेके आने के लिए खुद ये महसूस करते हैं और शर्म लगता है, शर्म की बात नहीं इसमें, नहीं लोग करते हैं शर्म, इसलिए थैली मांगते हैं। हमारे कस्टमर आते हैं मोस्टली, जो कस्टमर थैली लेके आते हैं उनके पास बैग रहता है एक्चुअली, पर तो भी वो बैग मांगते हैं कि थैली दीजिए हमें इसमें यह लेना वो लेना, आपको लेना वो ठीक बात है, साथ में एक एक्स्ट्रा थैली भी रखिए,